नमस्कार सिकल अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो आज देखते हैं बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार सुपरस्टार साकिब खान की मूवी का टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ है और मुझे कुछ टाइम पहले ही पता लगा थ्रू द कमेंट्स, क्योंकि एक क्रेडिट देता हूँ यार आपको बांग्लादेशियों को कि आप अपनी जो इंडस्ट्री है, अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे अपनी कंट्री है, चाहे एक्सपोर्ट है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं। उसके साथ साथ जिसकी वन एग्जाम्पल, जैसे मेरे एक रिएक्शन के नीचे इनका कमेंट आना स्टार्ट हुए तो उस ट्रैक के बारे में कि रिलीज हो गया है, जैसे बांग्लादेशी मुझे अप्रोच करते हैं ऑलवेज, जैसे ब्रो चेक दिस आउट, सो आई जस्ट चेक इट आउट एंड ओके लेट्स डू इट। तो यही है एक फर्क, जो अपनी कंट्री से इतना मोहब्बत करते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जैसे अपनी कंट्री की जो ग्रोथ है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री ले लीजिए, आई थिंक करंटली दॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री सिटिंग ऑन अराउंड $122 million एज 2024। So they are expecting to get a growth 1.74% by next 5 years. So they will be reaching 133 million by 2029. तो ये just information थी। और I hope so the Bangladesh के जो लोग हैं काफी strong होंगे और हैं, और the Siliyat is still affected by the flood. So I hope they are getting better and best wishes and good luck. We knows you are strong people and you will get through this one as well. चलो यार देखते हैं। मेगा सुपरस्टार बड़े बजट की फिल्म है अकॉर्डिंग टू डॉलीवुड एंड इट इज़ अ बिग बजट मूवी एंड साकिब खान हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि आई हैव अ एक्सपोजर ऑफ डॉलीवुड रिसेंटली, सो बिफोर आई नेवर वॉच एनी मूवी और एनी सॉन्ग एक्सेप्ट कोक स्टूडियो बंगला। सो चलो ऑल क्रेडिट गोज टू द ऑल बांग्लादेशी फ्रेंड्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर जो आपने रिकमेंड किया, वी आर डूइंग इट। And let's start, yeah, this one before I drag myself to somewhere else and I'll just keep talking with something else and wouldn't be that important. चलो यार स्टार्ट करते हैं। Alpha I means one. Shorty. Megastar Saqib Khan. Toy. Roy Sharbo Shashone. Boy Rotto Shoshane. Jor Khomota. जे हारे ना हिंदी का रॉय सर्फो आमोले रॉय हिंस्रो लहरे तूफान आशे तूफान लाइक 45 ईयर ओल्ड मैन यंग तूफान आशे तूफान तूफान आमोले उसमें ट्रेलर से ज्यादा फुटेज लगे मेरे को ट्रेलर आ गया ये नहीं चाहिए तुम्हारा समझ नहीं आया जून। तो आई थिंक मेरे को जैसे पता लगा था कि दिस मूवी इज इंस्पायर्ड बाय 90s गैंगस्टर इन बांग्लादेश, मेरे को नहीं पता हाउ मच ट्रूथ बिहाइंड ऑफ दिस वन, पर मुझे लगा कि ये ट्रेलर से ज़्यादा इसमें सीन दिखाए गए हैं। बहुत गाना चलो मेरे को पूरा नहीं समझ आया, सब टाइटल भी जो था हिंदी में था उसके बाद भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि वो लिखने के बाद और बोलने में बहुत फर्क है बांग्लादेश और बांग्ला बोलने में। और एक बात करूं तो ये इसमें पोर्ट्रेट करने वाले हैं मेगास्टार साकिब खान को एज अ रॉबिन हुड, और आई थिंक दिस मूवी गन वी एंड अप टू बी नॉट पोर्ट्रेटिंग हिम एज अ विलेन बट इज ही विल बी लाइक हीरो विलेन कम हीरो। I think this seems like story. I could be wrong and I want to be wrong because I'm just predicting, so I should not predict, or I don't think so. They think same way. Do I think? As audience,
की प्रेडिक्शन नहीं होनी चाहिए ताकि मूवी में मजा रहे। और साथ में यार अच्छा टाइटल ट्रैक था जितना मेरे को समझ आया, ये जस्ट उठाने वाला है थोड़ा सा कहते वाइब थोड़ा हाई रखने का, और साकिब खान का जो उनका स्टेटस है उसके साथ मैच करने की कोशिश की गई है, बहुत ही अच्छी कोशिश की है। इवन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट बट सबटाइटल होने के बाद भी, सो नाउ आई हैव टू टर्न ऑन अगेन, आई हैव टू स्टार्ट अगेन एंड वॉच वो फील अंदर से जो एक पर्सनैलिटी के साथ मैच करने की कोशिश की है रैप डाल के। तो यार अच्छा लगा देख के, बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, करें भैया आप करें ऊपर जाएं, और हम हैं बैठे हैं, जितना हमसे सपोर्ट होगा हम स्प्रेड करेंगे आपकी इंडस्ट्री को और बढ़ावा देंगे। चलो यार स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू डोंट लाइक इट देन जस्ट डू इट, थैंक यू।